तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स तो देख आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़े जाऊँ दैट इज योर कौन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो कौन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो गोटे एलिमेंट्स बुक रो तो देख न्यू बुक रो आई थिंक 11 सी चैप्टर और ओल्ड बुक रे 14 सी चैप्टरटा एलिमेंट्स बुक रो हां तो देख होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोंती ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म तो को फॉर्म रे थिवर दरकार dy / dx = f ऑफ xy / डिवाइड / g ऑफ xy तो को फॉर्म रे थिवर डिवाइड फॉर्म रे ऊपर गोटे फंक्शन तळे गोटे फंक्शन वेयर f ऑफ xy एंड g ऑफ xy आर द होमोजेनियस फंक्शन देखो फर्स्ट हम तो बुझो होमोजेनियस फंक्शन कोन होमो मींस सेम होमो मींस कोन सेम एबे कोनटा सेम देखो ए देखो ऊपर x x आ y रे पावर केते अछि 2 तळे x आ y रे पावर मिसी केते हला 2 तो ऊपर रे पावर आ तळे रे पावर जदी सेम थिवो ताको हम कोन कहबा होमोजेनियस फंक्शन तो देखो से थियोरेटिकल लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई आर द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डिग्री इट्स सेट टू बी द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये देख एक्स रो पावर टू वाई रो पावर टू ये तले एक्स रो वन वाई रो वन सेम एटी एक्स रो वन वाई रो वन एटी एक्स रो टू वाई रो टू एक्स रो टू ये देख एक्स रो वन वाई रो वन सेम एटी एक्स रो वन वाई रो वन तो देख सब टर्म पावर सेम अच्छे कहते होमोजेनियस फंक्शन तो देख सॉल्व कमी करवा तुम स्टेप्स गुड़ा लिखिदेज तो फर्स्ट कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म तो फर्स्ट हम कौन करिया इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म रे कन्वर्ट कर दवा देखो या को ही कौन दी स्टैंडर्ड फॉर्म लेफ्ट तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहा केमती जानिबा लेफ्ट साइड रे कौन थियो डीओडीएक्स और रेस्ट फंक्शन सब राइट साइड रे थियो लेफ्ट साइड रे तुम्हार किछ फंक्शन न थियो लेफ्ट साइड रे ओनली डीओडीएक्स थिवा दरकार ताको कौन कोन दी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ तो जदी क्वेश्चन इफ If it is in standard form, then move to step 2. तालो move कौन कौन करियो? Step 2 को. Step 2 रे कौन करें ची? Put y is equal to vx. तो कौन put करियो? Y जगह रे vx put करियो. Differentiate left side. तो left side को differentiate करियो. Left side means dy by dx side को differentiate करियो. And simplify the right side. Right side को simplify करियो. Simplify करला बोले देखो हमें पाई बा. Right side रे only खाली v term मिलेगा हमें. Only v term. After simplification, flip the equation. Flip माने equation को हमें totally flip कर दो. Flip कर दो means देखो जमी आम एक्स इज इक्वाल टू वाई को आम कौन लिख पार वन बै एक्स इज इक्वाल टू वन बै वाई ताको कौन कलु आम टोटाल इक्वेशन को फ्लिप करदेलु है नेक्स्ट इंटीग्रेट बोथ साइड बोथ साइड कौन करवा इंटीग्रेट इंटीग्रेट करवा देख आम वाई इज इक्वाल टू भि एक्स नहीं तो भि रैल्यू के वाई बै एक्स तो पुट द भैल्यू अफ भि इज इक्वाल टू वाई बै एक्स इन द फाइनल सिंप्लीफाई इक्वेशन तो लास्ट आम कौन करवा वाई रि रैल्यू को सब्स्टिट्यूट करदे वाई बै एक्स बोली तो वीडियो पॉज करके तुम लिखिदेव वन बै वन क्वेश्चन करवा टॉपिक रो नाटा लिखी दूचे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो देखो गोटे क्वेश्चन करिया फर्स्ट क्वेश्चन का हम नो छु हला तो फर्स्ट क्वेश्चन दे छि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0 तो देखो फुले एडा हो हमरा फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो पहले क्वेश्चन टा स्टैंडर्ड फॉर्म रे नहीं मु तो कोन कहितली क्वेश्चन टा स्टैंडर्ड फॉर्म केतलो थिवो लेफ्ट साइड रे dy / dx थिवो और राइट साइड रे सब फंक्शन थिवो तो फर्स्ट गोटी सिंपलीफाई कर दियो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू एटा सेपड़ु नै जा तो 2xy dy वे एटा को इस साइड रे लिखो तो मींस 2xy dy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx तो देखो पहले अबे कोन करबा dx को एपड़ नहीं आस आउ ये फंक्शन को सेपड़ नहीं जाओ मीनस कौन कर dy बै dx टे एपड़ पल आसला बै dx तो ये एवं सेपड़ पल तो कौन हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बै 2xy तो यहाँ है कौन सिंप्लीफाई फॉर्म आम ये कौन करदेलु सिंप्लीफाई करी तो या देदेव इक्वेशन वन तो बुझे कौन कल मुझे dx को एपड़ नहीं आसली तो dy तले डिड करदेली आईटा को नहीं सेपटे डिड करदेली तो ये आसगला तो यहाँ आम कौन है कहते स्टैंडर्ड फॉर्म या पर मेथड स्टार्ट करवा तो कौन करिया पुट वाई इज इक्वल टू भि एक्स तो पुट कर डी बाय डी एक्स ऑफ भि एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जगह कौन लिखा भि एक्स रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स ता जगह भि एक्स तो देख पे भि एक्स मानते भि इंटु एक्स तो इंटु फॉर्मूला पकेबा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू ये रहा एक्स स्क्वायर
प्लस एटा देखो भि एक्स रोल स्क्वायर अच्छे तो आम लिख पारे भि स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर इंटू भि तो ये देख फाइनाल के भि एक्स रो वन प्लस एक्स डी भि बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आम एक्स स्क्वायर मुझे कमन नहीं हो तो आम एक्स स्क्वायर कमन नहीं वन प्लस भि स्क्वायर डिवाइड बाय टू एक्स स्क्वायर भि देख पे एक्स स्क्वायर कैनसल कैनसल हो गला तो मुझे अलरेडी कही स्टेप्स भी लिखा है राइट साइड खाली कौ कौ टर्म बचे ओनली भि टर्म तो कौन रहा मोर भि प्लस एक्स डी भि बाय डी एक्स इज इक्वल टू तो ये कौन रहा वन प्लस भि स्क्वायर बै वन प्लस भि स्क्वायर डिवाइड बै टू भि वन प्लस भि स्क्वायर डिवाइड बै टू भि एवं भि को सेपट सिफ्ट कर दि तो एक्स डी भि बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस भि स्क्वायर बै टू भि माइनस भि तो एक्स डी भि बाय डी एक्स इज इक्वल टू तो यहाँ सिंप्लीफाई कर तो है टू भि वन प्लस भि स्क्वायर माइनस भि इंटू टू भि तो फाइनल कैसे होगी वन प्लस भि स्क्वायर माइनस टू भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू भि तो सल्व कले कैसे होगी वन भि स्क्वायर माइनस टू भि स्क्वायर तो माइनस भि स्क्वायर बै टू भि तो ये आम कौन रहा एक्स डी भि बाय डी एक्स तो देख ये सिंप्लीफाई होगा कौन कर टोटाल क्वेश्चन को फ्लिप करदे फ्लिप मीनस एक्स को आम लिखल वन बै एक्स या कौन लिखल डी एक्स बै डी भि आ गए कौन लिखल टू भि बै वन माइनस भि स्क्वायर एवं देख आम कौन कर एलिमेंटरी ऑपरेशन तो कौन हो देख ये डी भि अच्छी तो ये साइड सिफ्ट हो तो वन बै एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कौन रहा टू भि बै वन माइनस भि स्क्वायर डी भि तापर इंटीग्रेट बोथ साइड तो आम कौन कलु सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल साइड को शिफ्ट कर दिलु एटा एक्स ए साइड रे रहला डी एक्स एटा भी फंक्शन तो साइड साइड रे लकला डी भी तो देखो वन बाय एक्स रो फॉर्मूला कौन होची लॉन एक्स इज इक्वल टू देखो यार इंटीग्रेशन केमिति करबा तो देखो यार हमर फॉर्मूला अछि एबे तळर डेरिवेटिव केते होस देखो वन रो जीरो माइनस भी स्क्वायर रो टू भी तो माइनस टू भी तो देखो ऊपर हमें कौन कलु माइनस इंटू कली माइनस डिवाइड कली देखो एबे तळर डेरिवेटिव ऊपर आसीगला तो आम तळर डेरिवेटिव ऊपर थले हमें कौन लिख परियो माइनस लॉन 1 माइनस भि स्क्वायर प्लस मोड कौन ले कन्स्टांट लन सी तो देख ये भी लन रे अच्छी ये भी लन रे अच्छी तो या भी कौन नहींगली लन रे नहींगली तो फाइनल कौन करो यटा को एपटू नहीं आस तो लन एक्स माइनस अच्छे एपट पल आसला तो लन वन प्लस भि स्क्वायर लन वन प्लस भि स्क्वायर इज इक्वल टू लन सी ये पे आम जानचु लन रे प्लस थे इंटू हो जाए तो लन एक्स इंटू वन प्लस भि स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन सी तो लॉन लॉन कैंसल तो एक्स वन प्लस भि स्क्वायर इज इक्वल टू सी एवं देखो स्टूडेंट भि रो ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देवा आम नहींचु वाई इज इक्वल टू भि एक्स तो भि इज इक्वल टू के तो वाई इज इक्वल टू भि एक्स तो भि इज इक्वल टू कौन हम वाई बाई एक्स तो चलो आम ये पुट करवा एक्स वन प्लस भि जगह वाई बाई एक्स तो वाई बाई एक्स रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी तो सिंप्लीफाई कर दिव एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर बै एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी तो एक्स इंटू एलसीएम ने गले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बै एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी तो एक्स एक्स कटिगला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बै एक्स इज इक्वल टू सी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सी एक्स तो दिस इज आवर फाइनल आंसर तो आई होप स्टूडेंट तुम बुझीपार्थ तो वीडियो पॉज करके लिखी दियो आम आ गोटे क्वेश्चन को मूव करवा तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू वाई तो देखो स्टूडेंट तो यहाँ हूँ आम क्वेश्चन चल आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म रे कन्वर्ट करवा तो एक्स डी वाई बाय डी एक्स एटा प्लस अच्छे सेपट को नहीं जावा तो इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर एवं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय x तो देखो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म रे आसीगला कहीं लेफ्ट साइड रे खाली डी वाई डी एक्स अच्छे राइट साइड रे सब फंक्शन अच्छे चलो ये पुट करवा तो मेथड कौन पुट y इज इक्वल टू वी एक्स
चलो पुट करो डी वाई डी एक्स ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू वाई जगह रे वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह रे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर र रूट ओवर डिवाइड बाय एक्स। तो देखो स्टूडेंट ये वी एक्स अच्छे तो इनटू फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू वी एक्स माइनस। तो देखो स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर टाक कॉमन नहीं गले कौन रोचे वन प्लस वी स्क्वायर तो रूट ओवर टा या परे प्लस या परे डिवाइड बाय इनटू एक्स लिखि हबो। तो एपटे कौन होछि वी एक्स डेरिवेटिव वन प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस। देखो स्टूडेंट स्क्वायर रूट ओवर कटिगले तो कौन रहा ओनली एक्स तो वन प्लस वी स्क्वायर रूट ओवर एज इट इज टू एक्स। तो वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू देखो स्टूडेंट यू एक्स को कॉमन नहीं जाओ तो ये एक्स कॉमन हो गया और वी माइनस वन प्लस वी स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये एक्स कैंसल हो गया तो कौन बचला हमारा रिमाइंडर वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन प्लस वी स्क्वायर रूट ओवर वी को सपोर्ट शिफ्ट कर दियो तो एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन प्लस वी स्क्वायर रूट ओवर माइनस वी तो प्लस वी माइनस वी कैंसल एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वी स्क्वायर रूट अंडर। तो आप कौन करियो स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन को फ्लिप करदे ये कर सारापर फ्लिप मीनस कौन हो वन बै एक्स एटा डी एक्स बै डी भि एटा के माइनस वन बै वन प्लस वि स्क्वायर रूट ओवर एवं डी को सेपट सिफ्ट कर दियो तो वन बै एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बै वन प्लस वि स्क्वायर रूट ओवर डी भि वी आर इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड रे इंटीग्रेशन आमको जाना अच्छी लन एक्स दैट इज आवर लन एक्स इज इक्वल टू देख स्टूडेंट मुझे माइनसटा बाहर करदेली तो माइनसटा कोपट लिख तो वन बै वन प्लस वि स्क्वायर प्लस वि स्क्वायर वन प्लस वि स्क्वायर। तो देखो आम गोटे फर्मुला अच्छे स्टाणार्ड फर्मुला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर र रूट ओवर और या एमती भी लिखिपर वन बै एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर डी एक्स। तो यार स्टाणार्ड फर्मुला हूँ लन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर र रूट ओवर प्लस सी। तो सही हिसाब से ये फर्मुला पकाओ आम कौन हो लन तो एक्स जगह कौन अच्छे भि तो भि प्लस भि स्क्वायर प्लस ए ए जगह कौन अच्छे वन तो वन र स्क्वायर तो दैट मीन्स वन रूट ओवर प्लस या मुझे लन सी लिखुची कहीं दुटा लन रे अच्छे तो लन एक्स तो ये माइनस अच्छे एपट पड़े आसला लन भि प्लस भि स्क्वायर प्लस वन रूट अंडर इज इक्वल टू लन सी। स्टूडेंट आम जानू लन प्लस थे इंटू हो तो लन एक्स इंटु भि प्लस भि स्क्वायर प्लस वन रूट अंडर इज इक्वल टू लन सी लन लन कैंसल तो एक्स भि प्लस भि स्क्वायर प्लस वन रूट ओवर इज इक्वल टू सी। लास्टली कौन करवा भि वैल्यू पुट करदे तो लास्टली आम कौन करवा आम जानू भि वैल्यू कौन अच्छे ना भि इज इक्वल टू वाई बाई एक्स तो भि वैल्यू पुट करदे तो एक्स इंटु v y by x plus v square तो y square by x square plus 1 रो रूट ओवर इज इक्वल टू सी। तो देखो स्टूडेंट आगे जो हमें सिंप्लीफाई करूँ x y by x plus एलसीएम ने गले कहता है वो x square y square plus x square रो रूट अंडर इज इक्वल टू सी तो x into y by x तो स्टूडेंट रूट ओवर टा यहाँ पर भी अच्छी यहाँ पर भी अच्छी तो प्लस तो यहाँ पर लिख पारे एक्स स्क्वायर प्लस यार रूट ओवर तो यहाँ पर रूट ओवर है ओनली कौन हो एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखो स्टूडेंट ये मुझे एक्सटा कमन नहीं हो तो एक्स तो कौन रोचे वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बाय एक्स तो ये कौन है एक्स एक्स कैनसल इज इक्वल टू सी। तो फाइनाली मोर आंसर है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू सी तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई स्टूडेंट दुटा क्वेश्चन रू तुम्हें फंडा भाई क्लीयर हो तो वीडियो पॉज करके लिखि दि सब स्टूडेंट आ गोटे लास्ट टॉपिक लास्ट क्वेश्चन टाक सॉल्व करवा तो देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
is equal to x square plus y square root over dx. तो देखो स्टूडेंट याको केमती स्टैंडर्ड फॉर्म रे आनिबो तो तमे याको कॉमन नै कि भी करि परिबो dx को एपडो नै एसो dx dx कॉमन हिसो सेम थियो कर परिबो तो मते बडे शॉर्टकट ट्रिक बताउ छी तो देखो फर्स्ट चेक कर दियो dy थरे अछि dx दि थरे अछि तो कोडा अधिक अछि dx dx दि थरे अछि तो कोन करबो डिवाइड dx बोथ साइड तो कोन हबो x dy by dx माइनस y dx dx कटि जइबो एटि भी dx dx कटि जइबो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर एतिक रहला बुझल स्टूडेंट तबे x dy by dx माइनस y से पडु गला तो दैट इज प्लस y तो x स्क्वायर प्लस y रूट ओवर प्लस y तो dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट अंडर प्लस y डिवाइडेड बाय दैट इज योर x डिवाइड बाय दैट इज योर x तको अब सेम लॉजिक रे प्रोसीड करिवो तो पुट y इज इक्वल टू vx तो पुट करो dy dx ऑफ vx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जगह रे कोन लिखियो v स्क्वायर x स्क्वायर रूट ओवर प्लस y तो y जगह रे कोन लिखाबो सेम vx बाय x तो vx तो v इनटू x तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू तो देखो स्टूडेंट एडु में x स्क्वायर कॉमन नहीं होची तो 1 प्लस v स्क्वायर रो रूट अंडर तो यार रूट प्लस vx डिवाइडेड बाय x तो v x डेरिवेटिव 1 प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू ad स्क्वायर रूट ओवर कटि गेला तो x 1 प्लस v स्क्वायर रूट ओवर प्लस vx डिवाइडेड बाय x तबे फाइनली हमर कोनटा बचिला देख लियो तो देखो स्टूडेंट एडी x कॉमन नै जा कटि आउछे तो v प्लस x dv बाय dx तो देखो ई क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूरा पूरा डिटो अछि तो x कॉमन नै जा तो x कॉमन नै गली तो कोन बचिला 1 प्लस v स्क्वायर रूट ओवर प्लस v डिवाइडेड बाय x तो ये x x कटि गला v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर रूट ओवर प्लस v तो याको से पड़ो शिफ्ट कर दियो x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर रूट ओवर प्लस v माइनस v ये प्लस है से पड़ गला माइनस है गला तो कटि गला तो x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर रूट ओवर तो ती हला परे टोटल क्वेश्चन को फ्लिप कर देवा हमें तो 1 बाय x dx बाय dv इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर रूट अंडर तो dv को से पड़ो शिफ्ट कर दियो तो 1 बाय x dx इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर रो dv तार इंटीग्रेशन तो दिस इज आवर ln x इज इक्वल टू तो यार फार्मूला कोनो सेम ln v प्लस v स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर प्लस c सेम फार्मूला हम या अगर जोटा करथिलु इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रो रूट ओवर तो फार्मूला कोन थला ln x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रो रूट ओवर प्लस c तो एटा थला हमरो फार्मूला तो सेम लॉजिक हेबे एबे c टाकु भी हमें कोन नै जीवा ln c एबे एटा को एपडु नै आसो लेफ्ट साइड को नै आसो तो ln x माइनस ln v प्लस v स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर तो 1 ही लिखिवा 1 रो रूट ओवर इज इक्वल टू ln c तो देखो स्टूडेंट हमें जान छु ln रे माइनस ले कोन हि जाय डिवाइड हि जाय तो हमें भी लिख परिवे ln x बाय v प्लस v स्क्वायर प्लस 1 रो रूट ओवर इज इक्वल टू ln c तो ln ln कैंसिल हमर कोन बचिला x बाय v प्लस v स्क्वायर प्लस 1 रो रूट ओवर इज इक्वल टू c तेती हला पर स्टूडेंट एबे v जगह तार ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दियो तो y इज इक्वल टू vx तो v इज इक्वल टू y बाय x तो x बाय y बाय x प्लस v स्क्वायर तो कोन हि जइबो y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 रो रूट ओवर इज इक्वल टू c तो x बाय y बाय x प्लस तडा को एलसीएम ने गेले y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर रो रूट अंडर इज इक्वल टू c तो x बाय तमर केते होचे एटा y बाय x प्लस देखो स्टूडेंट एठो जदि हम रूट ओवरटा
तो ये लिखो जी y square plus x square रो root over divided by x तो is equal to c तो x by तो ये कौन है देखो LCM same अच्छी तो y plus y square plus x square root over whole divided by x is equal to c तो x ऊपर पड़े ला तो final क्या था ला x square divided by y square plus x square root over is equal to c तो this is our final answer तो I hope student तुम आराम से बुझी पार्थे वो topic टको तो बिट बाय बिट तुम्हें क्वेश्चंस आवरी जितने करिवो तुम फंडा आवरी धीरे धीरे क्लियर हो जाव आ इटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ इटू लॉन्ग क्वेश्चन आसीवार चांसेस ह्यूज हला तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ए टॉपिक रु आसी जाए तो तुम्हें ध्यान से क्वेश्चन उडा करिवो आ किछि प्रॉब्लम हले डिस्क्रिप्शन रे तुम्हें हमको कमेंट करो आ नेक्स्ट टॉपिक हम तुमको कोन दरकार थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट